तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम एकदम ठीक ठाक हैं भाई। सुबह के 11:30 हो चुके हैं। आज मैंने वीडियो थोड़ी लेट शुरू करी है क्योंकि वही डे बाय डे आपको पता ही है, डेली घर का काम है ना। तो आज सुबह सुबह 10:30 बजे बारिश हुई थी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का, थोड़ा सा मौसम अभी खुल गया है। तो सुबह सुबह बारिश हो गई थी, तो हमने जाना था मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा हमें काम था, थोड़ा सा हमने सामान वगैरह लाना था। एंड मेरे दोस्त जो सन्नी भाई, सन्नी फार्म वाले, उनसे भी मैंने मिलना था। वो काफ़ी दिन के बाद अपने फार्म में आया, तो वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, तो वो फंक्शन किसी का चल रहा होगा तो मेरे को उन्होंने बुलाया हुआ है, तो वैसे मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। तो श्रुति भी मेरे साथ जा रही है, श्रुति को सामान लेना मार्केट से। तो चलो चलते हैं, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं अपने जो नियरेस्ट हमारे चौक है, उसका नाम है चढ़वाल, वहाँ जा रहे हैं। तो कर लेते हैं गाड़ी को कॉल स्टार्ट। लो जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मौसम आज का थोड़ा अच्छा है, ठंडा मौसम है, जैसे कि आप सुबह ऊपर देख पा रहे होंगे सामने कितने बादल मंडरा रहे हैं आसमान पे। और आज वैसे भी 70% बारिश दिखाई हुई है। सुबह 10 बजे बारिश आ गई थी, बट बीच में बारिश बंद हो गई, अब शायद बारिश फिर से आ जाए। मार्केट से आके अपने वो घर के काम भी ख़त्म करने हैं, तो इसलिए हम पहले मार्केट चलते हैं। तो श्रुति रेडी हो रही है। मम्मी बोल रही है ना, उधर से खुरपा ले जाओ और वो करना है, पापा को देना लहसुन करना है। क्या करना? खुरपा देना? पर खाई यानी तो लहसुन खराब हो जाना। उधर हवा कम, हवा ज्यादा है। मैं कह मैं माल से कर जाओ ना, पानी लेने गया ज्यादा का, थोड़ा पुटिया रख अंदर की। तो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। और क्या, ब्यूटी पार्लर ही होता है भाई, लेडीजों के काम ब्यूटी पार्लर। तो ये तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। मैंने कोई टाइम नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई और सिंदूर लगा रही हूँ बस। बाल तो मेरे अपने आप ही सेट हो जाते हैं। ओहो, बाल सेट हो जाते हैं, बाल हैं कि अरसे हैं? ने बाल इसके सिल्की है, इसने रिमोल्डिंग करवाई हुई है, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग वगैरह सब करवाया हुआ है, पैसा बहुत खर्चा है पहले, है ना? कलर भी करवाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। कलर कैरेटिन बैरेटिन कुछ नहीं करवाना, नॉर्मल नेचुरल चीज रखने, कोई जरूरत नहीं है कलर फलर करवाने की, नेचुरल रखने हैं, जैसे नेचुरल होते हैं वैसे रखने हैं। जब आप अपनी शेप वगैरह करवा, शेप तो नहीं करा, ट्रिमिंग वगैरह करा, तो मैं आपको कुछ बोलती हूँ नहीं ना? ट्रिमिंग करवाना और कलर करवाना उसमें डिफरेंट है। चलो शौक फिलहाल अपने कम करो और तैयार हो जाए फटाफट, बस हो गए। तो चलते हैं मार्केट। दूसरी वीडियो मैंने एक्सपोर्ट पे लगाई हुई है, यहाँ देखो, यहाँ पे चार्जिंग लगा हुआ है, साथ में वीडियो एक्सपोर्ट पे है। और मुझे ये बताओ कि ब्लॉग मैं कितने बजे डालूँ, सुबह डालूँ कि शाम को डालूँ, मुझे एक टाइम सुजेस्ट करो। मैं सबके कमेंट रीड करूँगा और सबको रिप्लाई दूंगा और उसी टाइम से डालूंगा। वैसे तो मैं पहले 2 ब्लॉग मैंने शाम को डाले थे, अब मैं डे बाई डे सोच रहा हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग 7:30 और 8 बजे के बीच कभी भी डाल सकता हूँ, है ना? तो सुबह 7 से 8 सही रहेगा कि शाम को रहेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो एनीवे चलते हैं, गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे श्रुति तेरे को क्या काम है मार्केट में आज? मेरे को, मैंने जो सामान दिया था ना अपना, फिटिंग करानी है उसकी, थोड़ी फिटिंग जो है ना टाइट आई है। किस चीज की फिटिंग करवा रहे हो? साड़ी दी थी ना, उसका ब्लाउज है उसकी जो है। अच्छा, साड़ी। तो इन्होंने साड़ी, चप्पल पहनू जो आपका मन है। तो इन्होंने साड़ी वगैरह दी होगी तो उसकी फिटिंग नहीं आई है, वो फिटिंग करवाने के लिए हम वापस जा रहे हैं वहाँ दुकान पे। वैसे हमारे जम्मू में बहुत कम लोग हैं जो साड़ी डालते हैं, तो जो टेलर्स हैं वो भी थोड़े परेशान हो जाते हैं जब साड़ी वगैरह उनको कुछ साड़ी पे वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उनका डेली का यहाँ सूट ज़्यादा पहनते हैं ना लोग। तो चलते हैं फिर, है ना? मुझे साड़ी बहुत पसंद है। सो गाइस, आगे से जो है ना गाड़ी मुड़ नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर आकर जो है ना गाड़ी को इधर से आके मोड़ते हैं। चले फिर? यस चलो। ओके। और यहाँ से गाड़ी जो है निकलने के लिए बिल्कुल एक फिक्स जगह है, थोड़ी सी भी गाड़ी इधर उधर हुई ना तो गाड़ी जो है दीवार के साथ बच जाएगी। तुम निकाल दोगे? वैसे तो मेरे को ड्राइविंग आती है, इन्होंने मेरे को सिखाई है थोड़ी बहुत, मतलब मेरे को काफी हद तक आती है, पर मैं अभी इतनी पक्की नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी जो है बिल्कुल फिक्स जगह से निकाल पाऊँ।
जम्मू में जो है ना बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। ये क्या है, चांद है क्या? वो नहीं नहीं वो फ्लैश लाइट है, मेरे को कैमरे में दिख रहा है। मैं कह रही हूँ ये पता नहीं क्या आसमान में क्या चांद सा निकल रहा है। शाम के टाइम हो जा रहा है, 5 बजे के बाद दिखने लग जाता है चांद। 5 बजे के बाद बेशक से वो होती है रोशनी, पर उस टाइम भी चांद दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा। और कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। अदरवाइज में गर्मी हो गई है, एक हफ्ते में हमारी गेहूं कटने वाली है। वो काम खत्म करने के बाद हम एक नई ट्रिप करने वाले है, वो सरप्राइज है। वैसे तो हमारा मन था कि हम पहले दिन जिस दिन केदारनाथ के कपाट खुलेंगे केदारनाथ जाएं, बट आपको पता ही है मम्मी की कंडीशन है सही नहीं है, तो घर से ज़्यादा दिन निकलना नामुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-2 दिन के लिए निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं निकल सकते, है ना। अगर मम्मी की तबीयत में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट आती है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम बाबा केदार के दर्शन करके आएँ। वैसे तो मैंने इसको आज सुबह ही बोला था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें अमरनाथ और केदारनाथ की, है ना, घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बहुत पहले अच्छा हो जाता है, क्योंकि बाद में फिर लाइन में नहीं लगना पड़ता, अदरवाइज लाइन में लगना पड़ता है। तो बाकी देखते हैं, बाबा की मर्जी हुई तो कोई रोक नहीं सकता। तो बाकी हम जा रहे हैं अभी मार्केट, तो देखते हैं मार्केट में क्या हाल चाल चले हैं। सो गाइस, अभी जो है ना पीए शफाकी मोड हमें पड़ा था सन्नी फार्म के पास जो है, तो वहाँ से अभी हमने जो है इनके दोस्त को वहाँ से पिकअप करा है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम अभी बाजार ही जाएंगे जहाँ। अच्छा, आपको भी चढ़वाली जाना है? हाँ, हमारे साथ। अच्छा अच्छा, भाई बाहर रहते हैं चंडीगढ़ लुधियाना साइड, भाई का अच्छा। वो ट्रांसपोर्ट का काम है, तो घर आए हुए 1-2 दिन हमारे साथ फिर लेंगे थोड़ा। अच्छा, कब आए भाई आप? अच्छा, आप कितने दिन के लिए आए हुए यहाँ पे? 1-2 दिन के लिए। अच्छा चलिए, वो तो फिर मिलते हैं आगे मार्केट में जाके। तो भाई श्रुति को छोड़ के आया हूँ मैं बाजार, क्योंकि वहाँ पे वो अपना सूट का एडजस्टेबल करवा रही है। हम यहाँ आए हैं, मेरा भाई है यहाँ पे स्टोन क्रशर पे, वो लोडर होता है, जो लोडर चाचा का लड़का है वो लोडर चलाता है। ऐसी कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये क्रेन जो लगी हुई है, यहाँ से एक्सप्रेस बनेगा, इस साइड से आ रहा है, वो रहा NH पुराना, और यहाँ से ये एक्सप्रेस इतना चौड़ा होके जाएगा। ये सामने ये अमृतसर टू कटरा वाला एक्सप्रेस, और यहाँ पे जब एक्सप्रेस बनेगा सीधा गट्टी आगे दिल्ली शुरू कर दी घटे। और छोटो भाई की हाल चाल ठीक ठाक? ये अमनाज छोटो भाई क्या चलाता है इधर? ये जितना पीछे जहाज दिख रहा है ये सारा जहाज का ऑपरेटर ये बंदा। और यहाँ पे अक्सर हम गर्मियों में नहाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी देखो कितना नीट एंड क्लीन, एकदम नीले कलर का पानी है। वैसे अभी यहाँ पे अभी इतनी गर्मी हुई नहीं है, जिस दिन गर्मी है ऊपर से छलांग मार देंगे, गड़म करता अंदर स्विमिंग पूल 20 फुट। अरे वाह भाई वाह, जिस दिन नया स्विमिंग पूल बनाया मुहूर्त करने बुला लिया मेरे को। हाँ हो गया काम? क्या किया? थोड़ा सा ठीक करे, उससे पूरा ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ कुछ सामान वगैरह लेना है इन्होंने, कॉस्मेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्रुति इसको? कॉस्मेटिक तो नहीं लेनी, कॉस्मेटिक मिलती है, पर मेरे को बनाना क्लिप वगैरह लेनी है, वो मेरी ना टूट गई है। अच्छा, और एक मेरा क्लेचर खो गया। तो हम सांझी मोड़ से हमने ले लिया सामान, चलते हैं अभी घर की ओर। तो लो जी, यहाँ पे एक बादाम शेक ऑर्डर करा हमने, थैंक यू भाई। लो जी, टेस्ट करके बताना कैसा है इसका। वैसे तो ये राजस्थान वाले भाई होते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्टी बनाते हैं। पैसे वसूल, चलो सही है। सो गाइस, अभी जो है ना हम लोग सारा काम अपना खत्म करके, जो भी चीज हमको लेनी सब कुछ ले लाके हम लोग जो है अब घर के लिए आ गए हैं। और अभी हम लोग जो है ना गाड़ी अपने घर में अंदर ही पार्क करेंगे, अभी रोड पे नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना नहीं है। और कैसे गाड़ी देखो ना, जगह दिखाओ कितनी सी जगह, कहाँ से ले जाते हैं? बिल्कुल फिक्स जगह है, ऐसा नहीं हमारे पास दूसरी पार्किंग भी है, दूसरा घर, बट वहाँ हम रहते नहीं तो फिर क्यों लगाए इतनी दूर। हाँ, Mm-hmm.
सो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है पार्क कर दी है। तो अभी मैं आया हूँ घर से बाहर रोड पे, यहाँ पे कुछ हमारा ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कुछ आने वाला है, तो भाई साहब आने वाले हैं, मैं बताऊं। तो डिलीवरी बॉय से हो गई गलती, पार्सल बेचारे ने लाया ही नहीं है और फोन कर रहा है भैया पार्सल ले जाओ। तो मैं रोड पे गया, सारे पार्सल मेरे आगे रख दिए, उसमें मेरा नाम ही नहीं है। मैं फिर बोलता भैया वो सॉरी मैं भूल चुका हूँ ऑफिस में, तो वो कल लेके आएगा। मैं बोला ठीक है भाई। तो दिन में एक दो घंटा रेस्ट कर लिया हमने और अभी थोड़ी सी भूख लगी है। वैसे हमने खाना खाया था दिन में बट फिर से भूख लग गई है। तो यहाँ पे अभी मैंने प्याज चॉप कर दिए हल्के से, हरी मिर्ची, धनिया और यहाँ पे कच्ची मूंगफली बुनी जाएगी। और श्रुति क्या बना रहे हो? पोहा। पोहा बना रहे हो? कहाँ पे रखा है? अभी बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे भिगो के रख दिया पोहा। और श्रुति बहुत अच्छा पोहा बनाती है और इसमें किशमिश भी डलेगी। हाँ। वो कहाँ है? वो किशमिश मम्मी से पूछ कर आओ। चलो मैं, क्योंकि जो मेरे पास थी वो खत्म हो गई। चलो मैं लेके आऊंगा। तो भाई इसके साथ साथ हमारी कॉफी भी यहाँ पे रेडी है, दूध हमने रख दिया है, कॉफी भी पियेंगे साथ में और पोहा भी खाएंगे। इसके बाद थोड़ा घास काटने जाएंगे, फिर आज शाम को हम जा रहे हैं एक डिनर में, शादी है हमारे रिश्तेदारों का डिनर है, हम पूरी फैमिली जाएंगे, मम्मी पापा को छोड़ के सब जाएंगे। फिलहाल तो पोहा खाने की तैयारी है, जल्दी बना लो, भूख लग गई बहुत। बस 2 मिनट और, बस ये भून के फिर कुछ नहीं है, हो गया ये। ओके, लो जी पोहा बनकर रेडी हो गया हमारा। तो अभी पोहा और कॉफी भी यहाँ रेडी होने वाली है, पोहा विद कॉफी, जल्दी से पी लेते खा लेते फिर थोड़ा घास काटने चलते हैं। हमारी कॉफी बनकर रेडी है, पोहा बनकर रेडी है और यहाँ पे पापड़ भी सिक गए। क्या बात, काली मिर्च के पापड़ है, काली मिर्च वाले। हाँ सही, तभी बहुत स्पाइसी से लग रहे हैं ना। हाँ। तो गाइस आ चुके हैं हम 5:30 बजे, तो 5:30 हो चुके हैं, अभी घास काट रहे हैं। यहाँ आया मेरा भाई, मौसी का लड़का स्पेशल, मेरे को घास कटवाने। भाई आर्मी में, भाई इधर बात करो, भाई की सर्विस कहाँ है ड्यूटी? उड़ी कश्मीर। भाई की ड्यूटी इस टाइम कश्मीर चल रही है, भाई को पता है मेरी मम्मी बीमार है पर हेल्प करवाने आया है और भाई मेरे साथ घास कटवा रहा है थोड़ा सा, बस इतना ही काटना है, आपको पता ही है डेली हम इतना ही काटते हैं। तो लक्की भी हमारा लगा हुआ हमारे साथ, शाबा लक्की। तो यहाँ पे तैयारियां चली है शादी में जाने के लिए, मेकअप हो रहे हैं, प्रियंशी भी तैयार हो चुकी है और हम अभी ऐसे ही बैठे हैं। हमने क्या है, एक पैंट लगानी है, एक शर्ट लगानी है, जूते लगाने है। चलो जी ड्राइवर आदमी, मैंने आज काफी टाइम बाद मेकअप करा है और मैंने प्रियंशी का भी बहुत लाइट मेकअप करा है। अच्छा। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग रेडी हो गए और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं अभी शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में, डिनर में। पंचू भी जा रही है, पंचू की मम्मा सारे जा रहे हैं अभी ना, लक्की भाई भी जा रहे हैं, लक्की वगैरह, पंछी भी आ गई देखो सामने, सब जा रहे हैं, दो गाड़ियां जा रही है, 2 की 3 गाड़ी जा रही है। तो पहुंच चुके हैं हम, गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है बट अभी तक कोई बारात नहीं आई है यहाँ पे, अभी तक कोई गेस्ट नहीं आया बट हम पहले पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर, इतने में आ जाएंगे। ये लोग आ चुके हैं तैयार होके, अभी बैठेंगे, अभी खाएंगे पिएंगे थोड़ी देर। क्या क्या खाया जी, क्या खाना जी? सारा कुछ, छड्डी होनी है कुछ भी हैं? क्या क्या बोल रहे? बहुत दिन हो गया व्रत रखे हुए, पांच रखे थे। हाँ।
अच्छा जी, उसकी कसर आज निकालेगी। देख देख चाबी कुत्थे? हेलो गाइस, तो आज हम आए शादी में, तो ये सारा हमारा परिवार बैठा है, पूरा का पूरा टब्बर आ गया यहाँ पे। तो गाइस पोपट हो गया, बारिश आ चुकी है, शादी में बहुत तगड़ा, देखो कैसे हलवाई भाग रहे हैं। एक बात है, जो दुल्हन और दूल्हा है ना, उन्होंने बहुत लड़ाई झाटी होंगी, तभी उनकी शादी में ना बारिश हुई है। हाँ सही बोल रही है, बहुत तगड़ी बारिश हुई है, सारे लोग देखो कैसे भाग रहे हैं। अब बहुत जोर की बारिश आई है, यहाँ तक पानी आ रहा है और तिरछी बारिश है, और सारा पानी इधर की साइड भी आ रहा है हमारे पैरों के पास। सही है। आंटी क्या बोलना चाहोगे इस बारिश के बारे में? बारिश के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ठंडी हो गई है। ठंडी हो गई है क्या? रोटी शादी में आए थे ना, हाँ बारिश आ गई शादी में। अरे यार सब भग गए भाई, कितनी दुनिया बैठी थी, बेरामी हो गई। कोई बात नहीं, शादी वगैरह ऐसा ही होता है शादियों में। तो बारिश बंद हो चुकी है, यहाँ बिजली कट रही है बहुत जोर से, अभी बारिश हो चुकी है फिलहाल बंद, अभी फंक्शन शुरू होएगा, अभी हुआ नहीं है जस्ट। श्रुति कैसा मौसम हो रहा है सच बताना? अभी बारिश के बाद तो अच्छा हो रहा है, पर शादी के हिसाब से नहीं, शादी में बारिश नहीं होनी चाहिए किसी। हाँ की भी बर्बादी हो जाती है बहुत, सारे लोग देखो कैसे खड़े हैं यहाँ पे एकदम साइड पे, बट अभी बंद हो गई है। इतनी मतलब इतनी तेज बारिश हुई है ना, सिर्फ 5-1 मिनट के लिए हुई थी बस, बहुत ज्यादा तेज हुई है बारिश। हाँ पर अभी बंद हो गई है ना, सही है ना, अभी कुछ खा पी लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे अभी खाना वगैरह खुलता तो कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर मिलते हैं गाइस। क्यों टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 9:30 दस बज गए, 10:10 सही है। क्या बोलना चाह रहे हो? भूख लगी है। हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हो? मथुराचक से। मथुराचक से व्रत खाने के लिए आए थे। फिर नसली गली वगैरह ये की है बोला के, इधर लाओ इधर लाओ, ये सब ना बरात खाना है, मैं अकेली जो फोटो खिंचवाने आई हूँ। सबसे ज्यादा पेट में तू एसी के दौड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से मैं खाती हूँ, अगर मेरा वो टाइम निकल गया ना मेरी भूख खत्म हो जाएगी। राजधानी एक्सप्रेस की तरह स्टेशन छूट गया तो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं खाऊंगी, मेरी भूख टाइम निकल गया तो फिर नहीं खा पाऊंगा। गाइस देखो जो भी प्लेटें सजी हुई थी, टेबल सजे थे, बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बच्चों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे बारिश रुकी, फिर बच्चे मैदान में वापसी करते हुए, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, फिर से बारिश आने वाली है। नहीं अभी नहीं आएगा, मौसम साफ हो गया, बड़ी वापस आई है जो बोल के फिर भाग गई थी। तो ऐसा कुछ फन चला है यहाँ पे, सारा को मत
आ चुके हैं हम वापस खा पी के। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक फ्रेश फ्लो के साथ आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।